आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप आसानी से सेलिब्रिटी जैसा लाइफस्टाइल पा सकते हैं और आप सुंदर और जवान बने रह सकते हैं। ये जितनी भी टिप्स हैं ये बहुत ही आसान और बिल्कुल ही घरेलू टिप्स हैं और आप इनको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एंड में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जो आपको पहली आदत अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करनी है वो है आपको वॉकिंग स्टार्ट करनी होगी। अगर आप बिगिनर हैं आप नए नए हैं तो आप सिंपल वॉकिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और आपका वेट भी मैनेज रहेगा। इससे आपका एंटी एजिंग का प्रोसेस भी डीले होता है तो आप इससे जवान बने रहेंगे। सेकेंड चीज़ आपको करनी है वो है आपको हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाना खाने में आप अपने घर के खाने से ही शुरुआत कीजिए। जो चीज़ें आपके घर में आसानी से अवेलेबल हैं आप ताज़ा फ्रूट्स और दही खाना ज़रूर शुरू कीजिए। दही आपको ये आदत बनानी है, एक कटोरी दही आपको रोज़ खानी है। दही खाने से आपके जवानी बनी रहेगी और आपके चेहरे पे बहुत अच्छी चमक आएगी। आपको कोशिश करनी अनार ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अनार खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए। अगर आप महंगे फल नहीं खा सकते तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप उनसे स्टार्ट कीजिए, आप उनको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। पाइनएप्पल ले सकते हैं आप और दही बिल्कुल भी मत भूलिए। दही की आप आदत लगा लीजिए कि आपको चाहे एक गिलास दूध ना पीना हो पर आप दही ज़रूर पीजिए। टेट्रा पैक के जूस प्लीज़ अवॉइड कीजिए क्योंकि इनसे आपको कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। इनमें हाई लेवल शुगर होता है जो आपकी बॉडी में शुगर बढ़ाता है और एजिंग का प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और ताज़ा खाना खाना है और पौष्टिक खाना खाइए। आप जितना हो सके उतना फ्रूट्स पे फोकस कीजिए। स्नैक्स खाने से अच्छा है जब आपको भूख लगे तो आप फ्रूट्स ही खाइए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी ही करनी है। थर्ड टिप जो मैं आपको दूंगी वो है पानी पीना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा, आपका वेट जो है वो मैनेज रहेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपके जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में गंदगी है वो निकलेगी, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेंगे और आप हाइड्रेट रहेंगे। और नेक्स्ट जो टिप आपको करना है वो है आपको मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। मॉर्निंग ड्रिंक में आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ के लीजिए। इससे आपके जो चेहरे का कॉम्प्लेक्शन है वो दिन पर दिन इम्प्रूव होता जाएगा और एंटी एजिंग का प्रोसेस डीले होता जाएगा। इससे वेट भी मैनेज रहेगा। तो ये टिप आपको ज़रूर फॉलो करनी है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। फिफ्थ टिप जो आपको करना है वो है आपको कम से कम मीठा और जंक फूड खाना है। अब आप सोचेंगे कैसे होगा, अगर आपके घर में मीठा आया है या जंक फूड आया है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मीठा खाने से पहले एक गिलास पानी पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपका पेट भर जाएगा और आप कम से कम मीठा खा पाएंगे। आप कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना कम मीठा और जंक फूड खाइए। ये आपकी बॉडी में जंक फूड नाम से ही जंक है तो वो आपकी बॉडी में गंदगी बढ़ाता है फ्रेंड्स, तो उससे आपका एजिंग प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। आप पानी पी लीजिए इन खाना खाने से पहले तो आपका जो होगा ये मन नहीं करेगा, पेट भर जाएगा आपका और आप कम से कम खाएंगे। तो फ्रेंड्स ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है स्किन केयर रूटीन। आपको मैं ये नहीं कह रही आप ढेर सारे प्रोडक्ट्स लगाइए अपने चेहरे पर आप एक सिंपल CTM प्रोसेस फॉलो कीजिए। अपना चेहरा अच्छे से धोइए, साबुन का इस्तेमाल मत करें चेहरे पे, और उसके बाद टोनिंग कीजिए चेहरे की। टोनिंग में आप क्या कर सकते हो, आप गुलाब जल और एलोवेरा जल दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में लीजिए, मतलब एक मात्रा में लीजिए। उनको एक बॉटल में इकट्ठा कीजिए और उसको शेक कर दीजिए और फिर उस स्प्रे को आप अपने चेहरे पे कीजिए स्प्रे बॉटल से। उससे आपके पोर्स जो हैं वो टाइट होंगे और आपका चेहरा ढीला नहीं पड़ेगा। जब ढीला होता है चेहरा तो रिंकल्स आते हैं और एजिंग प्रोसेस फास्ट होता है। तो CTM आपको ज़रूर फॉलो करना है। आपको टोनिंग चेहरे की ज़रूर करनी है। चेहरा धोने के बाद टोनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आपका कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा। आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है CTM में वो है मॉइस्चराइजिंग का।
आपको कोई भी अच्छी क्रीम जो आपकी जेब के लिए भी अच्छी हो और आपके लिए भी अच्छी हो, मैं ये नहीं कह रही महंगी क्रीम में इन्वेस्ट कीजिए, जो क्रीम आपको सूटेबल है आप वो क्रीम ज़रूर लगाइए और ये प्रोसेस आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर दिन का टाइम है तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, अगर आप घर में रहते हैं तो दिन में 2 बार सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में सनस्क्रीन लगाते रहना चाहिए। लोटस की मेरी पर्सनल फेवरेट सनस्क्रीन है और मैं इसको कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, और इससे आपका चेहरे का कॉम्प्लेक्शन जो है वो देखेंगे इम्प्रूव होता जाएगा। रात के टाइम पर आपको एलोवेरा जेल ज़रूर लगाना है चेहरे पर, रात के टाइम पर एलोवेरा जेल और बादाम का तेल, ये दो चीज़ें आपको ज़रूर लगानी है। जिन लड़कियों के आंखों के नीचे काले घेरे हैं उनको बादाम का तेल ज़रूर लगाना चाहिए, और बादाम के तेल में विटामिन ई होता है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हमारे बालों के लिए भी, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। आपको एलोवेरा जेल और बादाम का तेल ज़रूर लगाना है रात को सोते टाइम, उससे आपके चेहरे पर शाइन बढ़ेगी। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट पॉइंट, आपको कम से कम स्ट्रेस लेना है, आपको खुश रहना है, और ये स्टेप आप अगर फॉलो करेंगे, पानी पिएंगे, सुबह लेमन वाटर लेंगे, तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज करेंगे, ये सब आदतें जो भी मैंने आपको बताई, तो आप एक सेलिब्रिटी जैसा हेल्दी लाइफस्टाइल पा सकेंगे और आप जवान और सुंदर बने रहेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक।